आगरा कॉलेज आगरा के प्राचार्य अनुराग शुक्ला ने बताया, सांख्यिकी विभाग के तत्वाधान में दो दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जहां सांख्यिकी में प्रगति और संबंधित अंतर विषयक अध्ययन व्यापार पर दिनांक 28 से 29 मार्च 2023 को किया जा रहा है। आगरा कॉलेज आगरा के प्राचार्य प्रोफेसर अनुराग शुक्ला ने कहा कि सेमिनार का विषय बहुत ही सामाजिक है। आज का दौर टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन का है। हर कार्य उत्पादन डेटा करता है और डेटा को विश्लेषण करके कार्य को बेहतर तरीके से समझा कर किया जा सकता है। डेटा न केवल प्रतिक्रिया बल्कि रिसर्च में आपूर्ति सामान्य व्यक्ति के जीवन में भी लागू होता है। इसलिए ससंखक और इसके तहत हर विधा विषय और कार्य में अपना योगदान रखते हैं कि हमारे महाविद्यालय में यह तीसरा राष्ट्रीय सेमिनार जो डायरेक्टरेट के द्वारा अप्रूव्ड और वित्त पोषित भी है 28 और 29 तारीख में अपने प्रांगण में होने जा रहा है। इस कार्यक्रम को हमारे महाविद्यालय के स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इसमें आपको देश भर से बड़े प्रतिष्ठित विद्वानों को सांख्यिकी और उसके आज के समय के प्रासंगिकता एवं संदर्भों में सुनने का अवसर लगेगा। आगरा कॉलेज आगरा की स्थापना के द्विशताब्दी वर्ष पूरा होने के साथ ही इस महाविद्यालय में सेमिनार की एक श्रृंखला शुरू की गई है। इस कड़ी में तीसरी सेमिनार 28 और 29 मार्च को गंगाधर शास्त्री भवन में आयोजित की गई है। इसका विषय है एडवांसेस इन स्टैटिस्टिक्स एंड एसोसिएटेड इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज। इस सेमिनार में देश के करीब 100 से ज़्यादा शोधपत्र पढ़े जाएंगे और इसमें सर ने बता दिया है, प्रचार सर ने विषय का ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग, अन्य जगहों पे कैसे हम लोग उपयोग करते हैं और दिन प्रतिदिन में कैसे सांख्यिकी की उपयोगिता है, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। और हमारा पूर्ण विश्वास है कि यह संगोष्ठी अपने सफलता को अर्जित करेगी, साथ ही कुछ ऐसा विषय लेके आएगी जो समाज के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। प्रातः दर्पण न्यूज़ के लिए आगरा से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट।